गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है सर आपकी क्लासेस में? जो रेगुलर मार्क्यू क्लास टेस्ट। मार्क्यू का क्या रिस्पांस है सर? अच्छा रिस्पांस है, मतलब स्टूडेंट एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय भी कर रहे हैं और स्टूडेंट का अटेंडेंस भी बढ़ा है पहले से, रिलेटिव टू मतलब प्रीवियस मंथ। इस बार जो है जो मार्क्यू ये सब जो है इसमें ज्यादा बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है और इंटरेस्ट मतलब अटेंडेंस तो इन जनरल है, मार्क्यू के दिन अटेंडेंस बढ़ जाता है। नहीं, मार्क्यू तो प्री अनाउंस नहीं रहता है। अच्छा। तो अचानक सरप्राइज भी में दिया जाता है, तो जिस दिन अटेंडेंस ज़्यादा रहता है उस दिन मार्क्यू लेते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। लेकिन आपको ये भी थोड़ा देखना होगा कि यूनिट जब खत्म हो जाए तब मार्क्यू लिया जाए। हाँ वैसा ही हो रहा है। लेकिन इसमें एक है कि थोड़ा क्लास टेस्ट, हर महीना में क्लास टेस्ट और मार्क्यू थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा है। मत लीजिए ना, कोई एक चीज लीजिए। तो मार्क्यू हमको लगता है कि मार्क्यू अगर हो रहा है तो मार्क्यू कंटिन्यू रखें। मार्क्यू रिलैक्स्ड, लोड कम है। क्लास टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा है बच्चा को, थोड़ा क्लास टेस्ट को कभी कभी सरप्राइज टेस्ट के रूप में लीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन महीना में एक मार्क्यू बहुत है और क्लास टेस्ट कभी कोई यूनिट खत्म हो तो करवाने का है। ठीक है, क्लास टेस्ट का अपना महत्व है, उसके कारण क्या होगा एग्जाम में उसको बहुत रिलीफ होगा। और मार्क्यू तो बहुत लाइट है। हाँ मार्क्यू तो बच्चा एंजॉय भी कर रहा है। उसमें तो क्विज है, रिवार्ड है। इस बार से आप अनाउंस किए हैं तो बुक का भी कैटेगराइज कर दिया गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज, तो बुक भी दिया जाएगा बच्चों लोग को। नहीं बुक देखिए, अलग अलग तरह के प्राइजेस दिए जाएंगे। हाँ आप जैसे दो मंथ रेगुलर एक तरह का हो गया। हाँ, उसको चेंज कर, कभी कुछ कभी कुछ, अभी वैरायटी ऑफ प्राइजेस रहेंगे आने वाले दिनों में। उसमें कुछ बिस्किट्स वगैरह कुछ कुछ उस तरह की चीज़ें भी, चॉकलेट बिस्किट, हाँ वो सब भी करवा रहे हैं। ठीक है, चेंज होता रहेगा वो। जी सर देखिए, सीमेंस का इनोवेशन है सर, ये सर पूरे बिहार में कहीं हम लोग इस तरह का चीज़, बिहार के हम बिहार के बाहर भी कहीं मार्क्यू में, जैसे पीपीटी में बहुत सारे बच्चा हेजिटेट करता था, बोल नहीं पाता था, तो मार्क्यू में वो लोग को भी प्राइज मिला है। ऐसे बच्चे जो पीपीटी प्रेजेंटेशन में, उसका पीपीटी होना जरूरी है। हाँ लेकिन वो पीपीटी में मतलब घबराने लगता है, तो सेल्फ करने लगता है कि हम अपने से सर करते हैं, अकेले में हम कर पाते हैं, क्लास में करने में दिक्कत है। बोले वो धीरे धीरे हेजिटेशन खत्म करना, दिक्कत को दूर करने के लिए तो पीपीटी है। अगर उसकी वो दिक्कत फिर कभी दूर ही नहीं हो पाएगी। अच्छा मार्क्यू में एक काम और करिएगा, जो मार्क्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो फोटोग्राफ किसी बच्चे से खिंचवा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का, और उसको डलवा दीजिएगा नेट पर। ठीक, क्या होगा ना कि बच्चे उसको, जो लोग नहीं भी आए वो लोग वहाँ जवाब डालेंगे। लेकिन हम लोग ऑप्शन नहीं देते हैं उसमें, क्वेश्चन देते हैं, बच्चा जवाब देता है, उसको करेक्ट इनकरेक्ट करता है। भाई ऑप्शन दे चाहे नहीं दे आप सवाल डाल दीजिए। ठीक, सब क्वेश्चन सब सारा का आपके स्टूडेंट भी जवाब डालेंगे, जो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट है वो भी जवाब डाल सकते हैं। क्या हो रहा है? ठीक, फोटो ले लेंगे। आपको नहीं लेना, बच्चे से लेकर और उसको लेकर फिर पोस्ट कर देंगे। बच्चों को तैयार करिए इन सब चीज़ों के लिए, बच्चे इन सब चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। ये सब हंसते हुए फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन एक एक बैच बेंच वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखे हुए हैं। नहीं वही किए हुआ है, लेकिन बोनस वाले में हाथ उठाता है, बोनस सब वाले में सब उठाता होगा। हमको आप खाली मार्क्यू का ही भेज दिए सर, पीपीटी क्लास नहीं, नहीं क्लास टेस्ट का भी है इस बार, पीपीटी कहीं नहीं, क्योंकि ज़्यादा मतलब क्लास टेस्ट मार्क्यू तो ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा था, तो बच्चा कवरेज भी मतलब कॉन्टेंट कवरेज भी ज़रूरी है। तो एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी हो गया, तो अब तीसरा फिर पीपीटी को थोड़ा होल्ड किया गया। दूसरा एक चीज़ ध्यान दीजिए सर, मेरी उससे मुरली से भी बात हुई है कि जब भी बच्चों का हर सेमेस्टर में 3 IIT बॉम्बे का कोर्स कराना है, तो वो 3 कोर्स थोड़ा अलाइंड विथ हिज रेगुलर सिलेबस एंड अलाइंड विथ हिज एक्सपर्टीज लेवल होना चाहिए। तो वही कर रहे हैं हम लोग। नहीं, जैसे अभी फाइनल ईयर के बच्चे सी का एग्ज़ाम दिए हैं, उसका छूटा हुआ था क्योंकि बीच में नीरज सर ले रहे थे ना, नीरज कुमार सिंह सर, उसके बाद स्विच किया गया। स्विच किया गया तो जो जो बैच हम लोग स्क्रीनिंग किए कि कौन कौन बैच का क्या हो, अब फर्स्ट ईयर, हाँ उसको उसी हिसाब से कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का बैच जो है उसको पाइथन में, वेब डेवलपमेंट, HTML वगैरह में इनरोल करा दीजिए। ठीक, ताकि उसका समय से वो सब चीज हो जाए। जैसे मैनेजमेंट वाले को लिब्रे ऑफिस ये सब में करवा दीजिए, क्लास भी लगा दिए, एकदम बढ़िया आइडिया है। और उसको वीडियो ये PDF सब शेयर करा दिए ग्रुप में, ताकि वो देखेगा और फिर एग्जाम का जब उसको होगा तो वहाँ से वो उसको असिस्टेंस मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये
शुरू से उसी हिसाब से जो छूटा हुआ बैच था उसको जो जो कोर्स कराना है ये तो उसके हम तो कहेंगे सर हमको एक तो भेज दीजिए और बच्चों को भी ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, लिस्ट बना देते हैं कोर्स का लिस्ट। ठीक ठीक, 18 सेमेस्टर और ईयर वाइज। बिल्कुल, सेमेस्टर वाइज, कोर्स वाइज, सेमेस्टर वाइज। ठीक है ना, 18 कोर्स का लिस्ट डाल दीजिए ताकि वो 18 कोर्स हमारे हर बच्चा फ्री में कर ले। ठीक ठीक है सर, ओके सर, ठीक, बढ़िया, थैंक यू।